तो इस वीडियो में आप लोगों को देखने मिलेगा ये टोयोटा सुप्रा का रीबिल्ड, जिसको हम लोग पिकअप करेंगे अपने ट्रक से एंड लेके जाएंगे एक मैकेनिक शॉप पे, जहां पे हम लोग इसको अच्छा खासा रीबिल्ड करके उसे थोड़े बहुत फन करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो यार मेरे को ना एक टोयोटा सुप्रा बहुत ही चीप में मिला था, जिसको मैंने परचेस कर लिया है। एक्सीडेंटल टोयोटा सुप्रा है, बट ये बहुत ही इजीली रिपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो यार उसको ना मैंने परचेस कर लिया बहुत ही चीप में, एंड हम लोग ना उसका आज रिबिल्ड करने वाले हैं अपने गैराज में। फिलहाल अपने मैं घर पे था, एंड हम लोग ना ये ट्रक लेके जा रहे हैं जिसमें हम लोग टोयोटा सुप्रा को पिकअप करेंगे। जो सुप्रा है वो एक्चुअली रनिंग कंडीशन में है, बट उसका जो राइट साइड आगे का ना बहुत ज्यादा डैमेज, एंड पीछे का भी जो बम्पर है वो भी बहुत ज्यादा टूट चुका है। हम लोग उसको पिकअप करेंगे इस ट्रक से। फर्स्टली हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, एंड ओके इट्स ओके, स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं यार उसको पिकअप करने। पहले तो मैं मैप पे ना मार्क कर लेता हूँ जहाँ पे हम लोग को जाना है। आई थिंक मेरे को ना ये लोकेशन पे जाना है, यहीं पे टोयोटा सुप्रा पार्क्ड है जिसका टोयोटा सुप्रा था। ओके सो लेट्स गो गाइस। एंड ये जो गेम है ना हम लोग खेल रहे हैं बीएमजी, ये ना यार बीएमजी ना मेरे को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। इसमें ना क्रैश बहुत ही अमेजिंग क्रैश फिजिक्स होते हैं। लेट्स गो। अभी तो सुप्रा को अच्छे खासा पिकअप करना है हम लोग को, रिबिल्ड करना है उसको। यार हम लोग ना उसमें फास्ट एंड फ्यूरियस का भी लाइक उसमें लेवरी लगा सकते हैं, जो कि पॉल वॉकर का सुप्रा जो बोलते हैं हम लोग, उसका भी हम लोग उसमें लगा सकते हैं। बट लेट्स सी यार, अभी तो पहले हम लोग बॉडी रिपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत फन भी करेंगे उससे। मैं सोच रहा हूँ अच्छे खासा फन थोड़ा भगा के देखेंगे उसका टॉप स्पीड क्या है, एंड होपफुली हम लोग क्रैश ना करें बस उससे। मेरे को उसी का टेंशन है कि क्रैश ना हो यार। रिबिल्ड करने के बाद अगर क्रैश हो रहा है तो यार बर्बाद हो जाएगा फिर। ओके यही लोकेशन है, बहुत ही क्लोज था मेरे घर से एक्चुअली ये। बट अभी ना यहाँ से हम लोग को जो गैराज जाना है, अपना गैराज, वो थोड़ा डिस्टेंस में है। फर्स्टली पहले टोयोटा सुप्रा देखें हम लोग कैसा है। ये जो घर है ना, इसी के घर का जो मालिक है ना, उसी का ये टोयोटा सुप्रा था, लाइक जो ओनर है, एंड उससे मैंने डील ऑलरेडी कर चुका है। देखो यार मैं आपको बोला राइट साइड में डैमेज्ड है टोयोटा सुप्रा भाई, राइट साइड से एक्सीडेंट हुआ एक्चुअली, रेलिंग से टकराया था बहुत ज़्यादा, एंड उसी की वजह से ना पीछे में भी डैमेज पड़ा है भाई। आई थिंक रिपेयरेबल तो है यार ये, हम लोग इसको ना रिपेयर तो कर सकते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से। लाइक इंटीरियर पूरा सही है, इसका इंजन पूरा सही है रनिंग कंडीशन में, बट ये जो व्हील है राइट साइड का ना, ये एकदम लाइक अटका हुआ है, एंड पीछे का जो राइट साइड का व्हील है वो भी देखो थोड़ा टेढ़ा है। चलते हैं यार हम लोग इसको लोड करते हैं, ज़्यादा हम लोग यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। ओके तो यहाँ पे ये ट्रक को हम लोग को ना उस एंगल में लगाना पड़ेगा। ओके आई थिंक यहीं पे खड़ा करते हैं, एंड इसका ना जो ट्रेलर है उसको पूरा हम लोग रोल करके नीचे लगाते हैं। पहले तो मैं रिवर्स से हटाऊं गाड़ी को, एंड हैंड ब्रेक लगाना पड़ेगा, इंजन को ऑफ कर देते हैं। ओके यहाँ पे लिफ्ट वाला है तो हम लोग को टिल्ट करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग पूरा इसको नीचे लेके जाते हैं। ओके अब हम लोग को इसको उठाना पड़ेगा एक्सटेंड, तो ये फीट का है यार, फीट को नहीं करना, हम लोग को इसको एक्सटेंड करना है ताकि जो पीछे का ये पार्ट है ना ये रोड से एकदम टच हो जाए। ओके आई थिंक टच हो गया है, यस नाइस। ओके तो अभी हम लोग को ना विंच को भी यूज़ करना पड़ेगा। विंच के पहले ना मैं टोयोटा सुप्रा को ट्राई करता हूँ चालू करने का, एटलीस्ट ये गाड़ी चालू हो जाए, साउंड हम लोग इसका सुनते हैं कैसा है। ओके ये वी गो, फर्स्ट स्टार्ट। मेरे को पता नहीं अभी स्टार्ट होगा कि नहीं सही तरीके से, लेट्स गो। ओ एक एक टच में स्टार्ट हुआ है ये, मैन साउंड तो बहुत अमेजिंग आ रहा है। लाइक इसका ना मेरे को इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। टर्बो का भी हल्का सा टर्बो का साउंड है। ओ मैन नाइस नाइस यार, ये टर्न सही से नहीं हो रहा है, मतलब देख रहे हो हल्का सा ना आगे का ये वाला ही व्हील थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। ओके सो हम लोग इसको दो तरीके से लोड कर सकते हैं, एक तो हम लोग इसको खुद ब खुद यहाँ से ड्राइव करके ऊपर चढ़ा दें, या फिर विंच का यूज़ करें। मैं सोच रहा हूँ ना विंच का ही यूज़ करेंगे हम लोग, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि इसको हम लोग और डैमेज करें, एंड सही तरीके से लोड हो जाए पहले। पहले तो हम लोग इसको लाइनअप करते हैं। यार पावर तो लग रहा है यार, मतलब हल्का सा ही एक्सेलरेट करने पे ना देखो तुरंत टायर स्पिन कर रहा है, मैन टू जैसी पावर, मजा आएगा अभी हम लोग को इसको रिबिल्ड करने में। ये भी गो। ओके ओके लाइनअप हो गया है आई थिंक सही तरीके से। बस 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 इतना ही करते हैं अभी हम लोग इसको, आई थिंक सीधा तो है भाई यार, मेरे को ना बेकार लग रहा है इस साइड को देख के। ओके नो वरीज, अभी हम लोग इसका हैंड ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक नहीं अभी हम लोग इसको ना इंजन को ऑफ करना है बस। ये गाड़ी से उतरते हैं एंड चलते हैं हम लोग अपने ट्रक में। ओके गाइस यहाँ पे ना
तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके विंस को भी पूरा एक्टिवेट कर लिया, लाइक पूरा नीचे लेके चले गए हैं। बस अभी हम लोग को ना इसको बाइंड करना है, ये सुपरा से लाइक फिट करना है। आई थिंक इसको हम लोग को इस वे में बाइंड करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे ये फिट हो गया है, बट ये टूटे ना बम्पर प्लीज। यार हम लोगों ने बम्पर में फिट तो किया है, बम्पर टूटे ना। वैसे भी बम्पर को ना हम लोग को रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा, सो अभी हम लोग चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। बैठते हैं, ओके विंस का यूज करते हैं अभी। प्लीज बम्पर टूटना मत। ओके लोड हो रहा है, बम्पर टूट चुका है बट हाँ लोड तो हो रहा है। ओके प्लीज मैं एक काम करता हूँ गाइस, इसमें ना इसमें हम लोग बैठते हैं, इसका हैंड ब्रेक लगा देते हैं ताकि ये रोल ना करे। बाय द वे जो सुपरा हम लोगों ने पिकअप किया है ना, ये एक्चुअली जेम क्लासिक्स, हम आप लोग को भी अगर यहाँ परचेज करना है तो आ सकते हैं बीम एनजी के अंदर। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे मेरे को इससे डील तो मिला है। ये ओनर का ही सुपरा था, उन्होंने ही क्रैश किया था तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग सेल कर देते हैं। ओके लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग चलते हैं इसको अपने गैराज में लेके। फर्स्टली हम लोग को इसको ऊपर करना पड़ेगा। ओके ऊपर हो जा, यस ओके हियर वी गो। ओके अभी इसको थोड़ा टिल्ट कर लेते हैं, लाइक फ्लैट कर लेते हैं। यार बस मैं ट्राई करूंगा स्लोली चलाने का ट्रक को, मैं को नहीं, मैं नहीं जा रहा कि ये ना सुपरा को हम लोग कहीं गिरा दे गलती से। ओके थोड़ा बहुत यहाँ पे बम्पर में ही इसका विंच एक्टिवेटेड लाइक कनेक्टेड है। ओके लेट्स गो ट्राई करते हैं, अगर बम्पर टूटता है कुछ होता है तो लाइक बीच रोड में ना हम लोग इसको फिर से सही से पार्क कर लेंगे अपने ट्रेलर पे। लेट्स गो गाइस, बहुत स्लोली चलना पड़ेगा मेरे को, बस मैं नहीं जा रहा। ओके अभी ना हम लोग को अपने गैराज का भी मार्किंग लगाना पड़ेगा। मैन वी गॉट अ टोयोटा सुपरा मैन, लाइक बहुत ही क्रेजी कार रही है एंड बहुत ही सस्ते में मिला यार। इतना लाइक सस्ता ना टोयोटा सुपरा आज के टाइम पे तो कभी नहीं मिलने वाला है। ओ बम्प हो रहा है, टोयोटा सुपरा भाई जंप करके नीचे मत गिर जाना गलती से। ये वी गो गाइस, वी हैव अ ब्यूटीफुल टोयोटा सुपरा इन आवर ट्रेलर, लुक एट दैट। आगे देखना है भाई क्या दिख रहा है यार, अमेजिंग। एंड गैराज में जाके ना हम लोग इसको जल्दी से रिपेयर करेंगे यार, मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम लगाएं। आप लोग को बोर नहीं करना चाहूँगा यार, हम लोग ना टोयोटा सुपरा से बहुत ज़्यादा फन करेंगे। मैं ट्राई करूँगा इसको थोड़ा बहुत ड्रिफ्टिंग भी करने का एंड ऑब्वियसली हम लोग इसका टॉप स्पीड भी टेस्ट करेंगे ही। ये वी गो, थोड़ा स्लोली ही जाऊँगा मैं, ज़्यादा तेज़ नहीं भगाना चाहूँगा। भाई 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 रुक जा, टर्न लेना है। मैन ट्रक इतना हैवी हो गया है ना, रुक ही नहीं रहा था ये। ओके रुके तो हैं, ओके फिलहाल तो लाइक सेफ ही है। भाई बोलने से टकराने लग जाता हूँ मैं, मेरी दिक्कत है ये। ओके लेट्स गो, यहीं पे हम लोग का गैराज है। लाइक ये गैराज ना बहुत ही बेसिक है लेकिन हम लोग का काम तो हो जाएगा यार, बॉडी रिपेयरिंग में हम लोग को ना ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगना है। ये अपना गैराज एंड हियर वी गो। अभी मेरे को इसको उल्टा लाना था क्या, वेट अ सेकंड, नहीं उल्टा रहने देते हैं। हम लोग इसी टाइप से पार्क करते हैं एंड ट्रेलर को नीचे गिराते हैं ताकि फिर हम लोग टोयोटा सुपरा को सीधे सीधे ड्राइव करके अंदर लेके जा सकेंगे। भाई फिट हो जा, फिक्स हो जा। ओके हो तो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं अभी। भाई क्रेजी है टोयोटा सुपरा यार, एंड थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा आई थिंक। ओके ऑलमोस्ट डन। आओ मेरे ख्याल से इसका स्टैंड का दिक्कत है, बाकी आई थिंक इसमें से हम लोग अनलोड कर सकते हैं। सो पहले तो हम लोग को ना इसका विंस को अनहुक करना पड़ेगा। भाई विंस किधर गया यार, आई थिंक बम्पर का हम लोग को तोड़ के लेके जाना पड़ेगा क्या। वैसे भी बम्पर रिपेयर होने वाला है तो उतना इश्यू नहीं है उसका। ओके आई थिंक हो चुका है, लेट्स अनलोड इट गाइस। वैसे भी अगर बम्पर भी टूट रहा है तो मैं बोला ना हम लोग कोई इशू नहीं है उससे। आई थिंक हम लोग को बम्पर को तोड़ना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गंदा फंस गया था विंस में भी। स्टार्ट करें पहले तो, ये क्लिक में स्टार्ट हो रहा है, साउंड अमेजिंग है। टूट जा, ओके गाइस नो वरीज सेफ है गाड़ी। हम लोग को वैसे भी रिपेयर करना है, अभी तुरंत रिपेयर हो जाएगा। सामने का बम्पर ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, कोई इशू नहीं है, लेट्स गो। ओके सो गाइस देखो यहाँ पे ना जो भी बॉडी पार्ट टूटा था हम लोगों ने उसको निकाल दिया है। ये व्हील को मैंने रिपेयर कर दिया है, पीछे का जो ये क्या बोलते हैं इसको, बॉनेट बोलते हैं इसको भी मैंने निकाल दिया। अभी हम लोग को इसको सबको फिट करना है तो एक एक करके मैं सारे पार्ट्स को फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले ना हम लोग को इसका फ्रंट बम्पर को लगाना पड़ेगा, जो कि यार हम लोग के पास ऑप्शन है
सी वेस्ट का मैं सोच रहा हूँ लगाने का, हेडलाइट में मैं सोच रहा हूँ एक ना थोड़ा अच्छा वाला हेडलाइट लगाने का लाइक दिस वन। ये थोड़ा एलईडी वाले डीआरएल हेडलाइट्स हैं एंड राइट में भी सेम हम लोग को डीआरएल हेडलाइट्स लगाना है ताकि थोड़ा यार लाइक लुक भी चेंज हो अच्छा खासा। ओके हम लोगों ने हुड भी चेंज किया अभी जो कि अच्छी बात है और बहुत अच्छा दिख रहा है लाइक ग्रिल के साथ है। और भी हम लोग ऑप्शंस हैं, लेट्स सी देखते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा सी वेस्ट के साथ आई थिंक। ओके यहाँ पे हम लोगों ने बॉनेट भी लगा लिया जो कि टेल गेट नाम है इसमें एंड रियर बम्पर हम लोग को सी वेस्ट का लगाना है जो राइट फेंडर हम लोग को इसको भी लगाना, मैं भूल गया था यार इसको। ओके तो ऑल डन सी वेस्ट के बॉडी किट के साथ हम लोग को इसको पेंट करना है। अब भाई मैं सोच रहा हूँ यार कौन सा कलर करें, सुप्रा आई थिंक ना मेरे को वाइटिश कलर में ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑफ वाइट कर सकते हैं, ऑफ वाइट के लिए थोड़ा येलो साइड जाना पड़ेगा आई थिंक। ओ मैन ये भी अच्छा लग रहा है भाई, बॉडी किट देखो यार सामने से कितना अमेजिंग दिख रहा है यार। आप लोग को अगर ये सुपर पसंद आ रहा है ना मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना। ओके तो यहाँ पे आई थिंक ऑल डन, बॉडी किट पेंट जो भी बॉडी में रिपेयर था, फ्रंट राइट व्हील को हम लोगों ने रिपेयर किया है, हेडलाइट चेंज किया है, बॉडी किट हम लोगों ने अच्छा खासा लगाया है। लेट्स स्टार्ट दिस मैन, यार गैराज में क्या गूंज रहा है इसका साउंड, क्रेजी मैन क्रेजी। तो यार यहाँ पे हम लोगों ने गैराज में इसको फुल्ली रिपेयर कर लिया है, जल्दी से मैं अपने घर लेके जाता हूँ इसको, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका टेस्टिंग। यार ये है अगला दिन, यहाँ पे मैंने रिपेयर करने के बाद थोड़ा रेस्ट किया था। यार ये सुप्रा देखो हम लोग के घर के सामने पार्क्ड है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा इसमें ना लाइक इतना अच्छा खासा हम लोगों ने बॉडी किट लगाया, बहुत ही सस्ते में हम लोगों ने इसको परचेस किया था। अमेजिंग मैन, जस्ट अमेजिंग, लाइक ये ना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है मेरे को। अभी आज टाइम है हम लोग को इसको टेस्टिंग करने का, इसका हम लोग टॉप स्पीड टेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत इसको हम लोग ड्रिफ्ट करेंगे, ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं करूँगा, ये फुल्ली ड्रिफ्ट बिल्ड हम लोगों ने नहीं बनाया है, इसीलिए ड्रिफ्ट बिल्ड रहता तो हम लोग अच्छा खासा ड्रिफ्ट कर सकते थे। ये भी गो स्टार्ट करते हैं मैन, क्रेजी सिंगल बटन स्टार्ट हुआ, क्या साउंड है यार, टर्बो का भी साउंड क्रेजी आ रहा है। सुप्रा का इंटीरियर ना बहुत ही क्रेजी है, लाइक इतने सारे यहाँ पे बटन्स दिए रहते हैं ना, लगता है कि भाई क्या है स्पेसशिप है ये। ये भी को गाइस चलते हैं थोड़ा बहुत इसको ड्राइव करते हैं, ज्यादा भाई अभी हम लोग को थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, मैं नहीं चाह रहा कि पहले क्रैश करूं मैं, क्रैश तो नहीं करेंगे यार, मैं ट्राई करूंगा क्रैश नहीं करूंगा। हाईवे की तरफ चलते हैं अभी तो, भाई ड्रिफ्ट हो रहा है लाइक स्लाइड तो क्या है, वेट अभी यहाँ पे टर्न आएगा ना जो आगे, वहां पे ट्राई करते हैं स्लाइड होता है या नहीं। नहीं 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 स्लो 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 स्लो, ओ क्रेजी 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 पावर, इजिली स्लाइड हो रहा है ये, भगाते हैं थोड़ा, ये आ गया हाईवे, अभी हम लोग यहाँ पे ना इसका टॉप स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कितना भागता है। यार माइल्स पर आवर में है आई थिंक 100 रहेगा तो 160 रहेगा, ओके 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हम नहीं भगा पाए भाई। हाईवे ना बहुत ही लाइक एकदम साएं साएं वाला हाईवे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को सेफ रहना पड़ेगा भाई। मजा तो आ रहा है सुप्रा चला के, टर्न है आगे, मेरे को पता है ना यहाँ पे ना हम लोग सही तरीके से नहीं भगा पाएंगे, एक तो लाइक बम्पी रोड है ये, बम्पी में क्या होगा ना मैं लाइक हो सकता है यहाँ पे हम लोग का जो कंट्रोल है वो लूज कर जाऊँ मैं और फिर क्रैश ना करें यार, मैं नहीं चाह रहा कि हम लोग क्रैश करें इसको फर्स्ट ड्राइव में ही। ऑब्वियसली ड्रिफ्टिंग करते टाइम थोड़ा बहुत टेंशन है मेरे को ड्रिफ्टिंग का, लेकिन ट्राई करूँगा नहीं होगा क्रैश। रुक जा ओके भाई स्लाइड मार रहा है रियर एंड इसका मैन, इसलिए तो सुप्रा पसंद है यार, स्ट्रोक में भी इतना अच्छा खासा पावर मिलता है कि हम लोग इसको ड्रिफ्ट कर सकते हैं भाई। मजा है, बहुत मजा है, बहुत मजा है। स्लो 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 स्लो, बच गए गाइस, गए थे अभी। ओके थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट टेस्ट, मैन स्लाइड तो मार रहा है, ना स्लो स्लो स्लो, उधर टकराना नहीं है। देखो आई थिंक इस जहां पे अभी हम लोग हैं जिस लोकेशन पे, यहाँ पे इसका हम लोग टॉप स्पीड तो नहीं टेस्ट कर पाएंगे, वैसा जगह है ही नहीं यहाँ पे टॉप स्पीड टेस्ट करने लायक, रोड वैसा मिलने चाहिए ना, रोड ही नहीं है यहाँ पे अवेलेबल वैसे वाले, तो
जहाँ पे हम लोग टॉप स्पीड तो बिल्कुल नहीं टेस्ट कर पाएंगे, बट ड्रिफ्टिंग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक ऑब्वियसली एकदम प्रॉपर ड्रिफ्ट बिल्डिंग है, तो इसलिए ना ओवर स्टीयर तो हो रहा है। वैसे एंगल किट लगाया है मैंने इसमें, स्टिल थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम है। वैसे ड्रिफ्ट तो यार अच्छा खासा कर रहा है ये, कोई भी इश्यू नहीं हो रहा है मेरे को अभी तक इसमें। ना ना टकराना नहीं है। ओके ओके थोड़ा और फन करते हैं इससे। ओ भाई बच्चे बच्चे, अदरवाइज आगे का ना ये बम्पर बहुत लो है, देख रहे हो कितना लो है, तो हो सकता था टूटने के चांसेस। वैसे भी सारे बम्पर्स ना बहुत ही इजी वे में हम लोग रिपेयर कर सकते हैं इसको। बट टर्न बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ये लोकेशन पे हम लोग सही तरीके से ना नहीं कर पाएंगे फन। मेरे मन में क्या आ रहा है, हम लोग ना ट्राई करेंगे किसी न्यू लोकेशन पे ये सुपरा को ले जाके एकदम प्रॉपर वे में टेस्टिंग करने का। हम लोग ड्रिफ्ट भी करेंगे साथ में ना, इसका हम लोग टॉप स्पीड भी टेस्ट करेंगे साथ में। मैं ना सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इसमें ना अच्छा खासा लिवरी दे, हो सकता है मैं पॉल वॉकर का यहाँ पे इसमें पेंट जॉब करवा लूँ। मे बी नॉट, आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, जब भी रिलीज होगा आप लोग की तरफ नोटिफिकेशन चले जाएगा तब। बाकी यार इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। यहाँ पे हम लोगों ने टोयोटा सुप्रा को अच्छा खासा रिबिल्ड किया है, बहुत ही सस्ते में हम लोगों ने इसको परचेस किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है वीडियो को जरूर से लाइक करना, साथ में कॉमेंट करके मेरे को बता सकते हो अगर आप लोगों को कोई डिफरेंट कार का रिबिल्ड वीडियो देखना है। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पे।